लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई महानगर पालिका हर साल उद्यानों के विकास और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि उसका फायदा स्थानीय नागरिकों को मिल सके, लेकिन कुछ लोक प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वासी के प्रभाग 64 के उद्यानों से ऐसी धांधली की तस्वीर सामने आई है। यहां टूटे हुए पेवर ब्लॉक और गटर, खतरनाक बने बिजली के पोल और पैनल बॉक्स, ध्वस्त हो रही हरियाली, यहां सब कुछ बदहाल है। सुरक्षा इतनी खराब है कि नागरिकों के लिए बने उद्यान में नशेड़ी और गर्दुल्ले बैठते हैं। स्थानीय जनता सवाल उठा रही है कि जब इन उद्यानों के सुधार पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो फिर इनकी हालत जस की तस क्यों बनी हुई है। जाहिर है यह भ्रष्टाचार है जिसके लिए स्थानीय नागरिक नगर सेवक और मनपा को जिम्मेदार मान रहे हैं। वार्ड परिक्रमा में देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अगर ये हम लोग पैसे खर्चे कर रहे हैं तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? इस तरह से क्यों मेंटेन किया जा सकता है? जो लोग प्रतिनिधि आ रहे हैं महानगर पालिका, ये दोगांची रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वोट तो मैं दिया काम करने के लिए, आए नहीं कुछ पूछने के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके वार्ड में क्या हो रहा है, सब कुछ कभी नहीं पूछने आते। हम लोग को जाना पड़ता है उनके पास। आशा पत्र पैसा सब मिस यूज नहीं होना पाए। जो नगर सेवक है, जो अपने म्यूनिसपालिटी है, उन्होंने भी ठीक से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर है, प्रतिनिधि है यहाँ पे लोकल एक्स कॉर्पोरेटर, उनकी इनएफिशिएंसी के वजह से ये हालात हुए हैं यहाँ। इसमें कुछ घोटाला जरूर है। तस्वीर में दिख रहा है वासी प्रभाग 64 का जागृतेश्वर उद्यान है। स्थानीय जनता को बड़ी उम्मीद थी कि करोड़ों रुपए खर्च कर विकसित किया गया यह उद्यान उनके काम आएगा, लेकिन आज यह सुविधा की बजाय जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है। गौर से देख लीजिए, बच्चों को खेलने के लिए लगाए गए ये झूले टूटे और बेकार पड़े हैं। गटर के टूटे हुए ढक्कन, उखड़े हुए पेवर ब्लॉक और उद्यान में महीनों से गिरे पेड़ यहाँ की घोर बदहाली की कहानी खुद बयां करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस उद्यान की रेलिंग और गंदगी पर भी गौर फरमा लीजिए। पूरी नवी मुंबई में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ गंदगी और कूड़े का आलम है। उद्यान में सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी मुसीबत है। हालत यह है कि हर शाम यहाँ नशेड़ियों और गुरदुल्लों का जमावड़ा होता है, अश्लील और अवांछित गतिविधियाँ चलती हैं। ऐसे में नज़दीक होकर भी स्थानीय लोग इस गार्डन का उपयोग नहीं कर पा रहे। सीनियर सिटीजन तो और भी मुश्किल में हैं, जो इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। हर साल लाखों रुपए खर्चे करते हैं उन उद्यानों पे, जैसे ये विरंगुड़ा केंद्र है जो ओल्ड एज लोगों के लिए बनाया गया है, पर उसका मेंटेनेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे आप देखे जाएंगे, अभी बारिश का टाइम है तो पेड़ों का भी बराबर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लास्ट टाइम साइक्लोन आया था, उसमें कितने सारे पेड़ उखड़ के गिर गए। उन पेड़ों को हम लोग हर टाइम कंप्लेन करते हैं उठाने को आइए। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे घर के सामने वाले जगह पे पेड़ गिर गया था, पूरा दब गया था वो जगह, वो उठाने के लिए भी 3 से 4 दिन लगा है। सारे इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। रात में लड़के लोग आके यहाँ पे जो भी नशा करते हैं, उस हिसाब से हम लोग घूमने भी नहीं जा सकते। कोई सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे कि कहाँ से आए पुलिस आए या यहाँ पे गश्त लगाए, उनको बोले, ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं है। गार्डन बहुत बना यहाँ पे है, और यहाँ पे गार्डन में कैसे लोग, बहुत लोग बाहर से लोग आके बैठे रहते हैं, सोले रहते हैं, मतलब वो चर्सी वर्सी लोग रहते हैं, वो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं। यही सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। मोर गार्डन है, तो गार्डन में इस सके
खेळणे वगैरे आहेत लावलेले, सगळं तुटलेलंच आहेत. त्यांना आमचा इथला मुलगा एक त्याचा पायाला चिरला होता, पाय म्हणजे पायाला पूर्ण हे, त्याला ॲडमिट करायला लागला. 8 दिवसाचं दवाखान्यात ॲडमिट होतो. काहीच झालं नाही, तसं आहे तसं आहे. त्या गार्डनची सुधारणा अजिबात अजून झाली नाही. गार्डन आहे तसं आहे, पूर्ण भंगार हालत गेलेली त्या गार्डनची. त्या गार्डनमध्ये असं काहीच नाही, खेळणी वगैरे सगळे तुटलेले आहेत. ते लोखंडाचं काही म्हणजे ठेवलंच नाही. तर माझ्या बाजूला किचनच्या बाजूलाच गार्डन आहे, पण तरीसुद्धा आपण म्हणजे खिडकीसुद्धा उघडी ठेवू शकत नाही, कारण तिथे गार्डनमध्ये त्याचा मिसयूज केला जातो. की बऱ्यापैकी कुठून मुलं येतात, मुली येतात, नशा करत असतात, वेगवेगळे दृश्य पाहायला भेटतात, आणि आपण त्यांना बोलूही शकत नाही, कारण ते डायरेक्ट धमकी देतात. मग कारण ते पूर्ण नशेमध्ये असतात, मुलं पण आणि मुली पण. शिवाय तिथे जर बघितलं तर छोट्या मुलांना घेऊनही जाऊ शकत नाही आपण, कारण तो जो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स आहे तो अक्षरशः म्हणजे त्याच्या वायर सगळ्या बाहेर आलेल्या आहे. आणि छोट्या मुलांना समजत नसतं, त्यांना एक क्युरियोसिटी असते, असं वाटतं की ते पकडू पण शकत आहेत त्या वायर, तर काही पण जीवितहानी होऊ शकते. आणि तिथे बऱ्यापैकी जे आहे पेवर ब्लॉक ते सुद्धा बऱ्यापैकी निघालेले आहे, त्यामुळे ज्या वेळेला म्हातारे माणसं तिथून वॉकिंग करतात तर किती वेळा ते सुद्धा पडलेले आहे. त्याच्यामुळे मुलं को गार्डन में बैठ नहीं सकता है. लड़का लड़की आके बैठता है और है ना फुटबॉल में कैसे बैठ सकता हम लोग. और इधर आने का भी डर लगता है और परेशानी होती. बैठता ना ऐसे दारू उदू पी के बैठता है और तकलीफ होता है. कैसा हम लोग बैठ सकता है, सीनियर सेठी है कैसा बैठेगा आके. नगर सेवक करना चाहिए ना. अब यहाँ के सानी समाज सेवी एडवोकेट नीलेश भोजने की भी सुन लीजिए, जो प्रभाग 64 के उद्यानों की बदहाली और सुरक्षा की कमी से हो रही नागरिकों की परेशानी से दुखी हैं और खुद समाधान की पहल करने लगे हैं. उन्होंने कहा कि जनता अच्छी सुविधा के लिए टैक्स देती है, फिर वह पैसा जाता कहाँ है. उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर सेवक समस्या सुलझाने और अधिकारियों के साथ फॉलोअप करने में पूरी तरह से फेल हैं, और यही वजह है कि नागरिकों के लिए यह उद्यान मुसीबत बन रहा है. गार्डन के बारे में, ओपन स्पेस के बारे में आयुक्त साहब को लेटर भी दिया है कि जो पाथवे है का जो लेवलिंग है वो बराबर नहीं है, पाइप की लाइन है वो टूटी हुई है, जो लाइटिंग जो होनी चाहिए वो कहीं पे चल नहीं रही है. सिक्योरिटी का मेजर इशू है यहाँ पे. महिलाओं को, बच्चों को सिक्योरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न. स्पेशली जो ड्रग्स है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में गर्दुल्ले बोलते हैं, या जो दारू पीने वाले लोग हैं, उन पे कोई भी नियंत्रण नहीं है. काम सब करके झूले टूटे हुए हैं, काम करके रखा हुआ है, लेकिन कोई भी इसका, जिसको बोलते हैं फीडबैक लेना या उसका जाके पूछना क्या हुआ है क्या नहीं है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना, वो यहाँ पे हुआ नहीं है. लोक प्रतिनिधि को इसमें जिम्मेदारी उनकी है ये कामकाज करने की, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि जब वो गार्डन का टेंडरिंग करते हैं, टेंडरिंग में पैसे जो देते हैं जो भी कोई कामकाज करता है उसका, तो उसका फॉलोअप लेना, कामकाज क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ये फाइनली जो इनकम, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा है, ये उसका पैसा खर्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो वो फॉलोअप करे उसके बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं है इसके बारे में. तो उनका ये इट इज़ अ फेलियर ऑन देयर पार्ट. बताना जरूरी है कि प्रभाग 64 में कुल 12 उद्यान हैं और कई ओपन ग्राउंड हैं, लेकिन हर उद्यान में बर्बादी का कमोबेश यही आलम है. यकीन नहीं आता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन ग्राउंड का भी हाल देख ली. यहाँ के टूटे हुए गटर और कूड़े का ढेर नगर सेवक और अधिकारियों की नियत की पोल खोलते हैं. अब इन लोहे की कलाकृतियों पर भी जरा नजर डाल लीजिए. इन पर सिर्फ दिखावे के लिए नगर सेवक निधि का लाखों रुपए खर्च कर दिया गया है, जबकि कटे पेड़ों की जगह बड़े पेड़ लगाकर इससे बेहतर संदेश दिया जा सकता था. ऐसी बर्बादियों के लिए आखिर नगर सेवक और मनपा अधिकारियों को क्यों जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? नागरिक इसीलिए गुस्सा जता रहे हैं कि आखिर उद्यानों के नाम पर खर्च हो रहा लाखों रुपया कहाँ जा रहा है? यह पैसों की धांधली और भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? नागरिक इसके लिए सानी नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ और मनपा अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हैं. एडवोकेट नीलेश भोजने भी मानते हैं कि इन खामियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा भ्रष्टाचार जरूर है. जो नगर सेवक है, जो अपने म्युनिसिपालिटी है, उन्होंने भी ठीक से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए. मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है. अगर ये हम लोग पैसे खर्चे कर रहे हैं तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? इस तरह से क्यों मेंटेन किया जाता है? सब जगह यहाँ पे देखिए कचरा है. आप देखेंगे तो
कुछ भी मेंटेनेंस रखा गया नहीं है। आप इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए कि अशा पद्धति ने पैशाच मिस यूज नहीं वाला पाजे, कारण जर का तुम्हें गार्डन बनवता है तर ते फक्त एक वेगळ्या पद्धतीने त्याचा वापर नको व्हायला, त्याचा वापर आमच्या मुलांसाठी आमच्यासाठी, कारण गार्डन म्हणजे असं आहे की तिथे आपण जाऊन बसू शकतोय शांतपणे। जिम्मेदार म्हणजे आता जे आहेत सध्या आणि जे म्हणजे सध्याचे जे लोकप्रतिनिधी आणि महानगरपालिका, हे दोघांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांनी ते व्यवस्थित करावं, कारण आम्हाला तेवढीच अपेक्षा आहे त्यांच्याकडे। यहाँ के जो नगरसेवक आए नहीं कुछ पूछने के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके वार्ड में क्या हो रहा है, सब कुछ कभी नहीं पूछने आते, हम लोग को जाना पड़ता है उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। अब वोट तो मैं दिया काम करने के लिए, लेकिन रहेगी जब कुछ काम ही नहीं हुआ तब क्या उसके बारे में। अरे प्रशासन जबाबदार अपन स्थानिक लोकप्रतिनिधि आप संगित ही गोष्ट आम्मी जाऊन पहले संगल नहीं क्या जला तो कार्रवाई झाली नहीं जाए। आता गार्ड में ये जता हमेशा कहीं जाऊन बगत बगत साहब लोग बर जन जता बगत कौन का कर। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी हो या जो कॉन्ट्रैक्टर है, प्रतिनिधि है यहाँ पे लोकल एक्स एक्स कॉरपोरेटर, तो इसमें कुछ घोटाला ज़रूर है। उनकी इनएफिशिएंसी के वजह से ये हालात हुए हैं यहाँ पे। अगर वो ठीक से कामकाज कर पाते तो ये हालात नहीं होते। इतने सारे इतने खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे, सेक्टर एक से लेके आठ तक करीब करीब 12 गार्डन है, 4 ओपन ग्राउंड है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन पे जाती है। काम ठीक से नहीं कर पाया है, ना ही ठीक से फॉलोअप लिया गया है। अभी भी उसकी व्यवस्था बहुत, कुछ तो पेड़ इतने सूख गए हैं, पानी नहीं है पेड़ों पर, टेंडरिंग किया है, गार्डनिंग का दिया है टेंडर, तो ये सब पैसा गया किधर? ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है इसमें। फिलहाल इन खामियों पर टीवी वन इंडिया ने जब मनपा अधिकारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं सारी नगर सेविका से भी संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।